So good morning students, and our this video is for geography, chapter number 6, manufacturing industries for grade 10. But for grade 10, lesson number 6, manufacturing industries. So please check out page number 65 in your textbooks, that is chapter number 6, the manufacturing industries. ठीक है जी, चलो. Now beta, before we start this chapter, first of all I want to make one thing very clear to you, that what is meant by the term manufacturing. क्योंकि हम चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. तो बिफोर वी शैल स्टार्ट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय द टर्म. प्लीज राइट डाउन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म, बाय द टर्म मैन्युफैक्चरिंग. What is meant by the term manufacturing? Very, very important question for 1 marks. Please write up. And please underline the answer in your textbooks. Please underline. Production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. Very, very simple answer and very important answer for 1 marks. देखो बेटा, term हमारी है manufacturing. Manufacturing का मतलब क्या है? Manufacturing का अगर easy language में हमने मतलब करना हो ना, easy language का meaning क्या, मतलब क्या निकलेगा? The production of ठीक है, production of goods and services. The production of goods and services from the raw materials. अगर बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज हो, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन देनी हो, तो ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है इसकी, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स. ठीक है ना, वी कच्चे माल से, रॉ मटेरियल से अगर हमें सामान बनाना हो, हमें गुड्स एंड सर्विसेज का को बनाना हो, प्रोड्यूस करना हो, तो ऐसी प्रोडक्शन को हम लोग हमेशा क्या नाम देते हैं प्यारे बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, उसे हम क्या नाम देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग. अब टर्म आ रही है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. तो व्हाट आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जहां पर, जिन जगहों पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. अब देखो ना, अगर मुझे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है, तो मुझे उसके लिए कुछ मशीनें भी लगानी पड़ेंगी, चाहे वो मैं अपने घर में मशीनें लगा रखी हैं, चाहे मैंने कहीं पर बड़ी सी प्लॉट लेकर वहां पर फैक्ट्री बनाकर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं. तो जहां पर भी मैं, जिस जगह पर मैं गुड्स एंड सर्विसेज से, मतलब रॉ मटेरियल से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है, और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं, और जिस जगह पर मैं ये कर रहा हूं, उस जगह को मैं क्या नाम दूंगा प्यारे बच्चों, द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. कि द प्ले, अगर मुझे सिंपल लैंग्वेज में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, द प्लेस वेयर मैन्युफैक्चरिंग इज टेकिंग प्लेस इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. वो जगह जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, दैट प्लेस इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. तो अब हम लोग इस चैप्टर में इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में ही डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है, चलो. अब देखो बेटा, सपोज इधर एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में आपसे कहता हूँ, ओके जी, ठीक है, सपोज शुगर इंडस्ट्री. अभी शुगर इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री क्या होगी, सबसे पहले इसका रॉ मटेरियल क्या हो गया, शुगर केन. ठीक है, गन्ना, शुगर केन. ठीक है, ये इसको मिल गया खेतों से, शुगर केन लेकर जहां पर, जिस फैक्ट्री में इस शुगर केन से शुगर प्रोडक्शन किया जा रहा है, वो फैक्ट्री क्या कहलाएगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. ठीक है, दैट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल. ये फैक्ट्री क्या कहलाएगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. कि जहाँ पर रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके, शुगर केन का इस्तेमाल करके कोई नया फाइनल गुड, नया फिनिश प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, दैट प्लेस इज नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. क्लियर, चलो. अच्छा जी, अब पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी, एक और बेटा बात, इंपॉर्टेंट चीज, दीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जैसे हमारे चैप्टर का नाम भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर. ये भी आपने अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में तो आपका एग्रीकल्चर आ गया, ठीक है, लेकिन जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ये आपकी किस में हमेशा आती हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर.
ठीक है जी, ये सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है जिसमें की सारी आपकी प्रोडक्शन आती है, जिसमें की सारी सारी आपकी प्रोडक्शन होती है। नाउ क्वेश्चन लिखो, राइट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के फायदे क्या हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, राइट एनी फाइव पॉइंट्स और करके लिखो, और व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग राइट एनी फाइव पॉइंट्स। चलो देखो बेटा, सबसे पहले राइट साइड पर फर्स्ट पॉइंट अंडरलाइन करो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर, बिकॉज नंबर वन, अंडरलाइन प्लीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन द मॉडर्न इन मॉडर्नाइजिंग ऑफ एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ अवर कंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं ये रब कर रहा हूँ, ठीक है, नंबर वन हम लोग टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। नंबर वन, सबसे पहले कहते हैं मैन्युफैक्चर, अगर इसका हमने अपनी तरफ से कोई एग्जांपल बनाना हो ना, तो सबसे पहले हम लोग सीधे लिख सकते हैं, इट इज द बैकबोन, मैन्युफैक्चरिंग इज द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। चलो देखो कहते, इट हेल्प्स इन द मॉडर्नाइजिंग, इट हेल्प्स इन द मॉडर्नाइजिंग ऑफ एग्रीकल्चर, इट हेल्प्स इन द मॉडर्नाइजिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में मदद करती है, ठीक है जी। कैसे मदद करते हैं, देखो, दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑन द पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स इन सेक्टर। देखो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कैसे करती है, देखो मेरे बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग जो है ना आपकी टर्शरी सेक्टर, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर और ये प्राइमरी सेक्टर, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज काम करेंगी, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अच्छी होंगी तो बहुत सारे एग्रीकल्चर से, बहुत एग्रीकल्चर को और ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि वो एग्रीकल्चर से सामान खरीदेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल कॉटन इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, ठीक है, जूट इंडस्ट्री, ठीक है, ये सारी इंडस्ट्रीज के बारे में ना हमने पहले भी पिछले चैप्टर में, एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ा था। दीज इंडस्ट्रीज ये क्या है, दीज आर नॉन फूड क्रॉप्स, आपने पढ़ा था ना एग्रीकल्चर चैप्टर, दीज ऑल आर नॉन फूड क्रॉप्स, और ये सारे के सारे जितने भी क्रॉप्स हैं, दीज आर नॉट यूज फॉर ईटिंग, दीज आर नॉट यूज फॉर कंजम्पशन, दीज आर यूज फॉर द एज अ रॉ मटेरियल इन द इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होती हैं। अब देखो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा होगा तो वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा वो इन जो खेतों से, किसानों से इन सब चीज़ों को उतना ही ज़्यादा खरीदेंगे, और इससे क्या होगा, उतनी ज़्यादा किसान इनकी प्रोडक्शन करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर ज़्यादा होगी, मान लो कपड़ा बनाने की फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा वो कॉटन को खरीदेंगे किसानों से, और किसान उतनी ही ज़्यादा कॉटन की प्रोडक्शन करेंगे, जिससे क्या होगा, कॉटन प्रोडक्शन को फ़ायदा मिलेगा, यानी कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होगा, क्योंकि कॉटन प्रोडक्शन बढ़ेगा, किसान मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज़्यादा कॉटन खरीदेंगी, तो उससे क्या होगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ कॉटन होगा। ऐसे ही अगर रबर इंडस्ट्री ज़्यादा लग जाए तो वो किसानों से ज़्यादा रबर खरीदेंगे, और जब ज़्यादा रबर खरीदेंगे, किसान ज़्यादा से ज़्यादा रबर उगाएंगे न्यू टेक्निक्स यूज़ करके, चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिव फार्मिंग करेंगे, जिससे क्या होगा, रबर इंडस्ट्री को, रबर को फ़ायदा मिलेगा, और रबर से मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होगा। इसी तरह से जूट प्रोडक्शन की अगर ज़्यादा फैक्ट्रीज लग जाएँ, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लग जाएँ, तो किसानों से ज़्यादा जूट खरीदेंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा जूट खरीदेंगे तो किसान अच्छे से अच्छी एग्रीकल्चर करके, अच्छे से अच्छी मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करके जूट प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, और जूट प्रोडक्शन बढ़ेगा तो और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फायदा हो। तो मतलब कि इसका फ़ायदा इसको होता है और इसका फायदा इसको होता है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो रही है तो एग्रीकल्चर को फायदा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, मतलब कि प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इफ प्राइमरी सेक्टर डज वेल, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड इफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डज वेल, इट विल बी वेरी गुड फॉर द प्राइमरी सेक्टर। तो दोनों को एक दूसरे से फायदा हो, तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी करेक्ट टू से दैट इट हेल्प्स, इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग हेल्प्स इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो। अगर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो एग्रीकल्चर को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदेंगी एग्रीकल्चर से, और जितना ज़्यादा सामान खरीदेंगे उतने ही इनकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी विद द यूज़ ऑफ मोर एंड मोर मॉडर्न टेक्निक्स। समझ लगे बच्चों? तो इसलिए दोनों तरफ ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, इट ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो हेल्प्स इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इट्स एब्सोल्युटली राइट टू से दैट। नेक्स्ट नंबर टू टिक करो, इसके साथ ही टिक करो मेरे बच्चों। दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ द पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग द जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। इसको भी इंटरव्यू करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगली सेकेंड पॉइंट, देखो नंबर टू क्या है। अगर इसकी सिंपल हेडिंग बनानी हो तो आप ये भी लिख सकते हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन सेकेंडरी सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन सेकेंडरी सेक्टर। देखो जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगेंगी, उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ये तो आप सबको पता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, उतनी ही ज़्यादा जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज लगती हैं उतनी ज़्यादा लोगों को जॉब मिलती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको खुद को भी पता होगा, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा आपने, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने की कैपेबिलिटी अगर किसी सेक्टर के पास है तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर के पास है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमेशा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करता है। ना इतना प्राइमरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेबिलिटी है, ना इतनी टर्शियरी सेक्टर में इतनी कैपेबिलिटी है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने की कैपेबिलिटी किसी सेक्टर में है तो वो आपके सेकेंडरी सेक्टर में है। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि इसमें सब लोगों के लिए रोज़गार है। इसमें अनपढ़ बंदे के लिए भी रोज़गार है, क्योंकि वो अनपढ़ बंदा जो होगा वो लेबर करने का काम कर सकता है, जो कम पढ़ा लिखा होगा उसके लिए भी रोज़गार है, और जो बहुत हाईली स्किल्ड है उसके लिए भी रोज़गार है। सबके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की करने की कैपेबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, जो कि ना तो प्राइमरी सेक्टर में है और ना ही टर्शियरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ किसान ही बन सकते हैं, किसान कितने के लोग बन जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग, इसीलिए एग्रीकल्चर भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं कर सकता। और जो टर्शियरी सेक्टर है उसमें सिर्फ आपने पढ़े लिखे लोग ही उसमें एग्रीकल्चर उसमें काम कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर, टीचिंग सेक्टर, साइंटिफिक सेक्टर। इसमें जो हाईली इंटेलिजेंट लोग हैं, हाईली स्किल्ड क्वालिफाइड लोग हैं, वही काम कर सकते हैं। अनपढ़ बंदा तो काम कर ही नहीं सकता। तो सिर्फ ऐसा सेक्टर जिसमें सारे लोग काम कर सकते हैं, चाहे वो अनपढ़ बंदा है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है, चाहे वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, एवरीवन कैन गेट एम्प्लॉयमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने की कैपेबिलिटी किसी सेक्टर में है तो वो आपके सेकेंडरी सेक्टर में ही है, मतलब कि आपके प्यारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही है। इज दैट क्लियर? तो इट इज एब्सोल्युटली राइट टू से दैट इट हेल्प्स इन मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन and reduce dependence upon primary sector, ठीक है ना। और ये primary sector यानी कि आपका agriculture, प्राइमरी सेक्टर पे आपको डिपेंडेंस को कम करने में मदद मिलता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें सेकेंडरी सेक्टर में रोज़गार मिलता है, तो एग्रीकल्चर से हटकर फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करने चले जाते हैं, जिससे क्या होता है इस पर एग्रीकल्चर सेक्टर पर यानी कि प्राइमरी सेक्टर पर भी बोझ घटता है, डिपेंडेंस घटती है लोगों, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्लियर? ये था आपका सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट नंबर थ्री क्या है प्यारे बच्चों, अंडरलाइन प्लीज। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर द इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम अवर कंट्री। वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर थ्री। पॉवर्टी को रिमूव करने में, गरीबी को रिमूव करने में अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस या इम्पॉर्टेंट रोल कोई सेक्टर प्ले कर सकता है तो वो हमेशा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही होगा। इस बात को हमेशा के लिए नोट कर लो अपने दिमाग में कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर दैट हैज़ द एबिलिटी टू रिड्यूस पॉवर्टी, टू इरेडिकेट पॉवर्टी, इज़ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के ना, जिसमें के पॉवर्टी को पूरी तरह से इरेडिकेट करने की कैपेबिलिटी। क्यों? अगेन रीज़न वही जो अभी हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा कि इसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेबिलिटी है। और अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कोई सेक्टर सबसे ज़्यादा कर रहा है तो डेफिनेटली पॉवर्टी इरेडिकेशन तो वही करेगा।
जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा आएगा, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा आएगा तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पॉवर्टी रिमूव हो जाएगी, पॉवर्टी इरेडिकेट हो जाएगी। तो किसी भी सेक्टर के पास, किसी भी सेक्टर में अगर सबसे ज़्यादा पॉवर्टी इरेडिकेशन करने की, पॉवर्टी इरेडिकेशन करने की कैपेबिलिटी है, तो वो आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि आपके सेकेंडरी सेक्टर में ही है, और किसी में इसकी जितनी कैपेबिलिटी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा चाइना इतना तेज़ी से डेवलप क्यों कर गया, क्योंकि चाइना ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि अपने सेकेंडरी सेक्टर को सबसे बेस्ट बनाया पूरी दुनिया में। दुनिया की हर चीज़ का निर्माण, दुनिया की हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। छोटी से छोटी एक पिन से लेकर, छोटी सी पिन से लेकर बड़े से बड़े रॉकेट तक की प्रोडक्शन भी, मैन्युफैक्चरिंग भी चाइना में होती। तो इसका, इसी वजह से चाइना में क्या हुआ, इतनी तेज़ी से पॉवर्टी इरेडिकेशन हुआ, क्योंकि बहुत तेज़ी से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, प्यारे बच्चों, जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऊपर जाएगा ना, उतना ही ज़्यादा पॉवर्टी जो है ये नीचे जाएगी। समझ लगी चीज़? जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऊपर जाएगा, पॉवर्टी लेवल उतना ही नीचे जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से क्या होगा, ज़्यादा लोगों का पैसा आएगा, और जब ज़्यादा लोगों का पैसा आएगा तो पॉवर्टी अपने आप ही रिड्यूस होएगी। यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अप तो पॉवर्टी डाउन, और अगर क्या हो जाए, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डाउन तो पॉवर्टी अप। तो इसीलिए हमें अगर अपने कंट्री में से पॉवर्टी इरेडिकेशन करनी है तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ाना होगा, तभी हमारे यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपवर्ड्स एंड पॉवर्टी डाउनवर्ड्स। तो इसीलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर दैट हैज़ द बेस्ट एबिलिटी टू डू पॉवर्टी इरेडिकेशन इन द कंट्री। समझ लगी चीज़? ठीक है जी, ये था आपका नंबर थ्री। नंबर फोर, ये आपका नंबर थ्री कंप्लीट हो गया। नंबर फोर देखो, ये आई एम रबिंग दिस, ओके सॉरी, नंबर फोर, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन द मच नीडेड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, इसका हेडिंग अगर आपने बनाना, ऐसे बना सकते हो राइज इन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, राइज इन एक्सपोर्ट्स। और इसका अगर आपने अगर साथ ही बनाना हो पॉइंट तो साथ ही बना सकते हो, अगर फिफ्थ पॉइंट बनाना तो वो भी बना सकते हो। राइज इन एक्सपोर्ट्स मतलब डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स। अब इसको चाहे फोर्थ पॉइंट बनाकर इसकी एक्सप्लेनेशन दे दो, इसको फिफ्थ पॉइंट बना लो, चाहे इन दोनों को इकट्ठा एक ही पॉइंट बनाकर ऐसे भी करो, जैसे मर्जी करो। राइज इन एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन इंपोर्ट्स, इनको अलग अलग पॉइंट बना के भी कर सकते हो, नंबर फोर नंबर फाइव। ठीक है, या फिर इसको एक ही पॉइंट बना के नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट अलग एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे करना कर लें। अच्छा, अब हमारा टॉपिक आ रहा है प्यारे बच्चों, राइज इन एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन इंपोर्ट्स। वेरी सिंपल एंड वेरी कॉमन, अब तक आपको समझ लग भी गया होगा कि अगर किसी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही है, तो डेफिनेटली वो कंट्री सब कुछ अपने देश में बना रहा है, और जब वो सब कुछ अपने देश में बना रहा है तो 100% उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। जैसे चाइना के केस में, चाइना सब कुछ अपने देश में बनाता है, छोटी से छोटी पिन से लेकर बड़े से बड़े रॉकेट तक वो अपने देश में बनाता है। तो जब वो सब कुछ अपने देश में मंगा रहा है तो उसको बाहर से इंपोर्ट करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर कुछ भी बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा तो डेफिनेटली डिक्रीज इन इंपोर्ट्स एंड राइज इन एक्सपोर्ट्स हो रहा है। और जितना ज्यादा, एक और चीज याद रखना, जितना ज्यादा ये दोनों चीजें होंगी ना, उतना उसका रिजल्ट पता क्या निकलेगा, इन दोनों का रिजल्ट, राइज इन एक्सपोर्ट डिक्रीज इन इंपोर्ट का रिजल्ट क्या निकलेगा, मोर एंड मोर फॉरेन एक्सचेंज यानी कि आपका FDI। ये भी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि फॉरेन करेंसी का आपके देश में आना। क्योंकि देखो ना, आपके एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, आपके कंट्री से चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होकर बाहर के कंट्री से भेजते जा रहे हो, तो वो उससे क्या हो रहा है, आपके कंट्री को जितना सामान अपना फॉरेन कंट्री से बेच रहे हो, उतना ही ज़्यादा आपके कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, डॉलर्स आ रहे हैं आपकी कंट्री। और जितना ज़्यादा आपकी कंट्री में डॉलर्स आ रहे हैं, फॉरेन मनी आ रही है, यूरोज आ रहे हैं, डॉलर्स आ रहे हैं, पाउंड्स आ रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो करती जा रही है, और आपके लोगों की गरीबी पॉवर्टी घट
घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। तो इसका मतलब जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इट गिव्स राइज इन एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन इंपोर्ट्स। डिक्रीज इन इंपोर्ट्स कैसे? अगर सब कुछ मेरे देश में, अपने देश में बन रहा है, तो मुझे बाहर से मंगाने की क्या जरूरत है? और अगर मैं कुछ भी बाहर से नहीं मंगा रहा, तो डेफिनेटली मेरे इंपोर्ट्स तो घटेंगे घटेंगे, मेरे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और मेरे इंपोर्ट्स घटेंगे, क्योंकि सब कुछ तो मेरे देश में बन रहा है। और जब सब कुछ मेरे देश में बन रहा है, तो सब कुछ मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरे राइज इन एक्सपोर्ट हो रहा है और मुझे कुछ भी बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है। तो जब मुझे कुछ भी बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है, तो डेफिनेटली मेरे देश का डिक्रीज इन इंपोर्ट्स तो हो ही रहा है, क्योंकि सब कुछ यहीं बन रहा है। तो मतलब राइज इन एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन इंपोर्ट्स, और जब ये दोनों चीज़ें होने लग पड़ेंगी, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, मेरे देश में मोर एंड मोर FDI आना शुरू हो जाएगा, मोर एंड मोर फॉरेन करेंसी आनी शुरू हो जाएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी, जिससे मेरे कंट्री की गरीबी बिल्कुल ही खत्म होने की कगार पे आ जाएगी, जैसे कि चाइना में हो रहा है। समझ लगे मेरे बच्चों? चलो नंबर 5, नंबर 5 लिखो, अंडरलाइन प्लीज। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल्स इनटू वेरी वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू एंड आर प्रॉस्परस। ठीक है, इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज क्विकली एज पॉसिबल। ठीक है ना, बिल्कुल वही पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया, कि जो कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल को अपने देश में बनाते हैं ना, ठीक है, वो ज़्यादा प्रॉस्परस होते हैं। रीज़न वही है, देखो जब आपकी कंट्री में मोर एंड मोर FDI आ रहा है, जो भी हमने लिखा मोर एंड मोर FDI, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, मोर एंड मोर प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री। जब आपकी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा FDI आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके कंट्री में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, लोगों के पास इनकम आएगी, तो डेफिनेटली लोग ज़्यादा सुखी और संपन्न होंगे। तो जितना ज़्यादा आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, आपके एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं और इंपोर्ट घट रहे हैं, और जब मोर एंड मोर एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन इंपोर्ट्स हो रहा है, तो रिजल्ट निकल रहा है मोर एंड मोर FDI, और जब मोर एंड मोर FDI आ रहा है, तो रिजल्ट क्या निकल रहा है, मोर एंड मोर प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री। मतलब कि सीधी भाषा में कहें तो इसको क्या बोलेंगे, रेजिंग ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रेजिंग ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कॉमन पीपल। ये इसका रिजल्ट कि जितना ज्यादा आपकी कंट्री में मोर एंड मोर प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, आपके लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उतना ही ऊंचा उठेगा, और कंट्री में गरीबी खत्म होने की कगार पर आ जाएगी, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पर होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि ये सारा कुछ हमें ये इस बात का यकीन दिलाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर दैट रियली ब्रिंग्स मोर एंड मोर प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री एंड इंक्रीजेज द एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीजेज द इम्पोर्ट्स ऑफ द कंट्री। उसके अलावा ठीक है जी, ये आपके दीज वर योर फाइव पॉइंट्स दैट गिव्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन अवर कंट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अवर कंट्री। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाउ कैन यू से दैट एग्रीकल्चर, हाउ कैन यू से दैट एग्रीकल्चर, ब्रैकेट में लिखो प्राइमरी सेक्टर, हाउ कैन यू से दैट एग्रीकल्चर, ब्रैकेट में लिखो प्राइमरी सेक्टर एंड इंडस्ट्री, ब्रैकेट में लिखो सेकेंडरी सेक्टर आर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट एनी फाइव पॉइंट्स। ठीक है, और करके लिखो, और इसी को इसकी ना स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर लो, राइट साइड लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, अंडरलाइन द स्टेटमेंट इन डबल इन्वर्टेड कॉमास, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। स्टेटमेंट क्लोज्ड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन डिटेल। इस पूरी स्टेटमेंट टिक करके एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन डिटेल, राइट साइड लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड, कॉमर्स क्लोज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन डिटेल। 5 मार्क्स क्वेश्चन, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अभी हमने डिस्कस किया। देखो हमने क्या कहा, एग्रीकल्चर
यानी कि आपका प्राइमरी सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी कि आपका सेकेंडरी सेक्टर। एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, आप ये कैसे कह सकते हो? हाउ, कैसे? देखो, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि अगर एग्रीकल्चर को फायदा होगा तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फायदा होगा, और अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फायदा होगा तो एग्रीकल्चर को फायदा होगा। अभी हमने डिस्कस किया कॉटन के केस में, कॉटन, जूट और आपके उसके केस में, रबर के केस में, कि जितनी ज़्यादा एग्रीकल्चर होगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को उतना ही ज़्यादा रॉ मटेरियल मिलेगा। सपोज हमारे देश में खूब कॉटन प्रोडक्शन होने पड़े तो हमारे को क्या होगा, हमारे देश की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो कॉटन से कपड़े बनाने काम करती है, उनको बहुत आसानी से बड़े सस्ते दाम पर कॉटन मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फायदा होगा। और जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी उतना एग्रीकल्चर को फायदा होगा। सपोज हमारे देश में खूब सारी कॉटन से कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज लग जाएँ, ठीक है, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लग जाए, खूब सारी रबर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लग जाए, खूब सारी जूट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज लग जाए। अब उससे होगा क्या कि जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगी वो उतना ज़्यादा किसानों से उतना ज़्यादा उनका प्रोडक्ट खरीदेंगी, उतना ज़्यादा कॉटन खरीदेंगी, उतना ज़्यादा जूट खरीदेंगी, उतना ज़्यादा वो खरीदेंगी, रबर खरीदेंगी। तो जब ये ज़्यादा सामान इनसे खरीदेंगी तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर को फायदा होगा, बिकॉज किसानों की जो फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकनी शुरू हो जाएगी और किसानों के पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो मतलब एग्रीकल्चर का फायदा मिलता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग का फायदा मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर को। दैट्स व्हाई इट इज एब्सोल्युटली राइट टू से दैट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड, ये हाथों में हाथ डाल के चलते हैं, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को फायदा हो रहा है तो सेकेंडरी सेक्टर को फायदा हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर को फायदा हो रहा है तो प्राइमरी सेक्टर को फायदा हो रहा है। समझ लगी चीज बच्चा? बेटा क्लियर है सभी को ना? फिर से अगर थोड़ा सा देख लो, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अभी मैंने बताया, अभी ये जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा दोबारा से देख लो। ठीक है, सपोज कॉटन प्रोडक्शन इंक्रीजेस, ठीक है, अब कॉटन प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो इसका फायदा, इसका क्या मतलब हो रहा है, मींस मोर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कॉटन क्लोथ इंडस्ट्री। ठीक है ना, सपोज कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ती है तो जो आपके जो रॉ मटेरियल बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, कॉटन क्लोथ बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल मिले। और इसका उल्टा क्या हो सकता है, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, नहीं इसको ऐसे लिखो, मोर एंड मोर कॉटन क्लोथ इंडस्ट्रीज विल लीड टू मोर एंड मोर प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट फॉर कॉटन प्रोडक्शन। ये देखो ना, कॉटन प्रोडक्शन, देखो फर्स्ट केस सेकंड केस, कॉटन प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो रही है, अगर कॉटन प्रोडक्शन इंक्रीजेस तो इट मींस मोर एंड मोर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन क्लोथ इंडस्ट्री। कि अगर कॉटन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो कॉटन क्लोथ वालों को, इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है क्योंकि उनको ज़्यादा रॉ मटेरियल मिल रहा है। और अगर कॉटन क्लोथ बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज़्यादा लग रही है तो मतलब वो उनकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन के लिए बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी कॉटन क्लोथ के लिए तो उतना ही ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन भी होगा किसानों द्वारा और उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा क्योंकि उनका सारा सामान, उनकी सारी जो फसल है जल्दी से जल्दी बिक जाएगी, जिससे क्या होगा, किसानों को फायदा। तो मतलब एग्रीकल्चर का फायदा मिल रहा है इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री का फायदा मिल रहा है एग्रीकल्चर। तो इसमें इट मींस इट इज एब्सोल्युटली राइट टू से दैट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड, ये हाथों में हाथ डाल के चलते। उसका फायदा वो उससे जुड़े, प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर जुड़ा है, सेकेंडरी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा। तो दैट इज वाई बोथ ऑफ ईच आर रिलेटेड टू ईच अदर, इट इज रिलेटेड टू इट। तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट टू से दैट।
तो बेटा दिस वॉज अवर टूडेज टॉपिक, ठीक है, आपको कुछ भी सब कुछ सीखने को मिला होगा मेरे ख्याल से। इन द नेक्स्ट टॉपिक, इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकॉनमी, ठीक है, कल नेक्स्ट वीडियो में हम ये नेक्स्ट टॉपिक का पढ़ेंगे। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स यू कैन सेंड मी योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है बेटा। सो दिस वॉज अवर टूडेज वीडियोज, सो अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट्स यू कैन सेंड मी योर डाउट्स, ठीक है, एंड प्लीज राइट डाउन, यस प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स इन योर टेक्स्ट बुक्स। जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखा है सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, तो यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स इन योर टेक्स्ट बुक्स, एंड ठीक है, स्टिल यू हैव एनी डाउट्स यू कैन सेंड मी योर डाउट्स। तो दिस वॉज अवर टुडेज वीडियो बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।